हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर एक बार फिर से बात करेंगे। यहां पर देख सकते हैं ये नेम ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है और यहां पर बच्चों के मार्क्स लिखे हुए हैं। तो एक डिफरेंट कलर लेकर के इसे मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ये कुछ इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं यहाँ बच्चों के नाम है और यहाँ मार्क्स है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है हमारे पास, हम चाहते हैं कि ये डेटा बड़ा भी हो हमारे पास। अभी तो ये छोटा सा डेटा है, आप इसे बड़े डेटा पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर करना क्या है हमें, यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि इस तरह से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करें कि 75 या 75 से अबव जिनका मार्क्स है वही वाले सेल जो है हाईलाइट हो किसी अलग कलर में। तो ये कैसे होगा, इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है और यहाँ से न्यू रूल पे चले जाना है। जैसे ही न्यू रूल पे जाते हैं तो ये नई विंडो आती है, न्यू रूल न्यू बनता है। अभी हमें आना है यहाँ ये ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन व्हिच सेल टू फॉर्मेट। यहाँ पर आने के बाद इक्वल टू लगा लीजिए। इक्वल टू जैसे ही लगाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा ये यहाँ पे मार्क्स लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। एक्सेल जो है बाय डिफॉल्ट क्या करता है, दोनों ही को फिक्स कर देता है। देख सकते हैं दोनों के पहले डॉलर लगा हुआ है, कॉलम के पहले भी, रो के पहले भी। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लगाना है ग्रेटर देन और इक्वल टू, और जो हमने कंडीशन दी है 75 के बराबर हो या 75 से बड़ा हो, तो ये हमने कर दिया यहाँ पे। अब इसमें फॉर्मेट पे जाना है हमें, और गलती कहाँ होगी वो भी मैं बताता हूँ। आप अपने तरीके से फॉर्मेट भी कर सकते हैं इसको, फिलहाल मैं अपने तरीके से फॉर्मेट करूंगा। तो यहाँ येलो कलर लगाता हूँ और यहाँ पे ओके करते हैं और यहाँ से ओके करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो अभी कुछ भी यहाँ पे हुआ नहीं है, कोई भी नंबर जो है हाईलाइट नहीं हुआ। प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सलूशन भी है। प्रॉब्लम का सलूशन क्या है वो आपको बता देता हूँ। देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हम गए थे, न्यू सेल रूल लिया था हमने, और यहाँ पर आकर के हमने जो फॉर्मेटिंग लगाई थी उसमें थोड़ा सा चेंज करना है, गलती यहीं पे हो जाती है। तो इज इक्वल टू लगाएंगे, पहले सेल को सेलेक्ट करेंगे, और पहले सेल को सेलेक्ट करने के बाद ये जो डॉलर है, डॉलर साइन में थोड़ा सा हमें चेंजिंग करना है। डॉलर साइन जो हम लगा रहे हैं उसमें बस थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, यहाँ से डॉलर हटा देना है, ये जो है ना ये डॉलर हटा दीजिए और ये डॉलर हटा दीजिए, ठीक है। ये दोनों ही डॉलर हटा दिया, अब यहाँ पे लगाइए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। और बाकी इसको सेलेक्ट कर लीजिए, बाकी काम हो जाएगा आराम। येलो कलर सेलेक्ट किया हमने और ओके कर देते हैं। तो अभी आप देखेंगे जैसे ही ओके करेंगे तो इसमें 75 से ज्यादा या 75 के बराबर वाला जो भी सेल था वो हाईलाइट हो गया है। तो ये वो तरीका है जिससे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। अब क्या होगा, यहाँ पर कंडीशन चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ कर देते हैं 85, पहले 75 था, 85 कर देता हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर देता हूँ 55 कर देता हूँ, तो 55 से अब जो भी है वो सब हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 95 कर देता हूँ तो देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे 95 किसी का है ही नहीं। लेकिन अगर जैसे ही यहाँ पे 95 हम कर देते हैं या 96 करते हैं, 95 या 95 से हम जो भी करेंगे हम, तो वो सेल हाईलाइट हो जाएगी अपने आप, ठीक है। यहाँ पे फिर कंडीशन चेंज करता हूँ 88 से अबव, तो ये देखिए दो नंबर 88 से अबव है। तो इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं। आई होप की बात समझ में आएगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।